हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चैती छठ पूजा का शुभारंभ हो चुका है और कल नहाए खाए था, जो कि मैं नहीं आ पाई थी रांची उस दिन, क्योंकि पीहू का उस दिन पहला स्कूल था। जैसा कि आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा, तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे नहाए खाए के शाम में। तो आज है खरना पूजा और मासी जो हैं वो प्रसाद बना रही हैं। माँ पापा वहाँ बैठे हुए थे तो प्रसाद मासी बना रही है, क्योंकि ये वाला छठ में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लगती है, इस वजह से थोड़ा सा हेल्प करना तो बनता ही है। और मैं नीचे थी दीदी के साथ और यहाँ पे ईशा सारा ब्लॉग जो है वो शूट कर रही है। मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरा अधिकतर ब्लॉग ईशा ही शूट करती है, मेरा हेल्प कर देती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा है खरना पूजा का, और फिर शाम में जो है वो पूजा पाठ होगा। दीदी माँ सब लोग यहीं बैठे हुए हैं और अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। खरना का प्रसाद के साथ जो रोटी बनती है ना, वो नीचे हम और दीदी बना रहे थे फटाफट, ताकि शाम के वक्त ना सब लोग जो प्रसाद खाने आएंगे उनको जो खीर है, जो हम लोग इसको लोकल भाषा में रसिया बोलते हैं, उसको रोटी के साथ हम लोग देते हैं प्रसाद के तौर पे, या केला के साथ भी देते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे रोटी बना रहे थे फटाफट, और ईशा जो है वो अगेन मेरा हेल्प कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी और पीहू को भी संभाल रही थी। तो हम और दीदी यहाँ पे फटाफट रोटी बना रहे हैं प्रसाद के लिए, और चलिए बनाते हैं। और इस ब्लॉग में आपको चैती छठ पूजा का सारा सीरीज़ वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। आज खरना है, कल पहला अर्घ है, फिर परसों जो है वो पारन है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू छठ वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। वैसे ये छठ जो है बहुत कम लोग करते हैं, अगर आपके यहाँ होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और छठ घर में होता है ना तो खुद ब खुद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है, वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो यहाँ पे हम लोग बस आपस में कुछ बात मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है यहाँ पे वीडियो को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है चैती छठ का खरना पूजा, तो उसी के लिए हम लोग रांची आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नहा धोवा के बैठी हूँ, बस अभी जाऊँगी खरना पूजा का। ऊपर खीर बन रहा है, जो प्रसाद होता है ना मेन प्रसाद, वो ऊपर बन रहा है। नीचे मैं और दीदी मिलके रोटी बनाएंगे, जो रोटी भोग के साथ चढ़ती है वो वाली, और जो प्रसाद में दी जाती है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे स्टार्ट करते हैं, और ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि पीहू अच्छे से पढ़ाई कर सके। और आप सभी को चैती छठ की बहुत सारी बधाई हो। ये वाला छठ जो है ना बहुत कम लोग करते हैं, तो जितने लोग भी करते हैं वो लोग समझते होंगे कि ये वाला छठ ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि अभी गर्मी होती है और 3 दिन का फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो जो लोग करते होंगे चैती छठ, उनको ज़रूर पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ वाला छठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को बिना कुछ देरी किए हुए। फिर से चोटी खोल रही है, सुई लाने बोलो, सुई लाने बोले भुआ को हम दम। लड़की चोटी नहीं बांधना चाहती है, देखो जरा, देखो बुलाए फुआ को हम सुई लेके। पीहू खोल दी, देखिए जल्दी जल्दी अगर चोटी खोली हो तो फुआ सुई दे देगी आज। कहाँ चले, कहाँ चलो ना, कहाँ चलो ना चोटी। गैया दिखाने दादी ले जाती थी ना पीहू। गाड़ी ही उल्टा हो गया, गाड़ी ही उल्टा हो गया पीहू। ये देखो पकड़ो, ईसा गैया पकड़ो, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, तो यहाँ पे माँ का पूजा हो गया है कंप्लीट, और हम लोग बस आशीर्वाद लेने के लिए आ गए हैं ऊपर में। तो इस तरीके से जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रिवाज से चल रहे हो। तो यहाँ पे माँ सबको सिंदूर लगा रही है पूजा होने के बाद, और यहाँ पे अगेन हम लोग का कुछ बातचीत चल रहा था जो मैंने म्यूट कर दिया है यहाँ पे। और अब मैं जाऊँगी अब प्रणाम करने, और सारे लोग बारी बारी से प्रणाम करके अब प्रसाद खाएँगे।
तो यहाँ पे हवन वगैरह भी होता है, नहा धोवा के आपको हवन भी यहाँ पे करना होता है, हुमात देना होता है बेसिकली। तो यही है खरना पूजा में। और पीहू अगेन अपनी बदमाशी चालू करके रखी हुई है, और यहाँ पे ज़बरदस्ती हमने उससे हुमात डलवाया, वो डाल ही नहीं रही थी, मतलब वो जो अननोन चीज़ें हैं ना वो उसको छूना नहीं चाहती है, उसको लगता है कि ये क्या है क्या नहीं है, अभी उसको उतनी समझ नहीं है। आई थिंक एक दो साल में उसको वो भी समझ हो जाएगी, लेकिन हाँ लोगों को करता हुआ देख के वो उस चीज़ को करती है कि अगर वो दूसरा कोई कर रहा है तो मैं भी करूँ। तो ये उसको कॉपी करने वाली आदत है, थोड़ी बहुत सीखने वाली आदत है। तो यहाँ दीदी माँ मासी सब लोग बैठे हुए हैं, चाचू उससे हुमात करवा रहे हैं जो कि वो करना नहीं चाह रही थी, फिर भी हमने ज़बरदस्ती उसे करवाया। खुआ कर डलवा दीजिए बस। बोलो पाम माता जी बोल दो। तो यहाँ पे दीदी सबको यहाँ से प्रसाद दे रही थी, जो चढ़ा हुआ प्रसाद था ना तो वो दे रही थी। तो सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग घर के सारे लोग खा के फिर नीचे जाने वाले थे, क्योंकि लोग अब बारी बारी से आ रहे थे प्रसाद खाने के लिए। और मैं और ईशा अगेन अपना इंस्टा वीडियो बनाने में बिजी थे कि चलो अपना इंस्टा के लिए कुछ शूट कर लेते हैं। पीहू जैसे ही अपनी फुआ को देखी ना प्रसाद निकालते हुए, तो वो उनका तुरंत सीख गई और वो भी फिर निकालने लगी। तो बच्चे इसी तरह सीखते हैं बड़ों को देखते हुए, और अच्छा लगता है कि बच्चे जब अपना कल्चर ईजिली अपनाने लगते हैं ना, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है देख के। रोटी बना रही हो? ठीक है, किस किस को रोटी चाहिए जल्दी बताइए। पीहू रोटी बना रही है। ए देखे 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 क्या देखना है? क्यों देखना है नास्ते का पापा? क्यों देखना है नास्ते के पापा को? देखो छिछी बात, छिछी बात, छिछी बात। दीदी को हेलो बोलियो। हेलो बोलो, बोलो हेलो नन्ही, बोल दो तो नन्ही। हाँ तुम नन्ही क्या?
हेलो एवरीवन। तो आज है छठ का खरना पूजा, जो कि आपने देखा कि वो हो गया हमारा। और कल है पहला अर्घ और परसों होगा दूसरा अर्घ, मतलब पारण। और मैंने पहनी है ये येलो कलर की साड़ी। तो जिनके यहाँ चैती छठ होता है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी और सूर्य भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करें। और आज हम लोग प्रसाद खा के बस अभी बैठे ही हैं और बस अब चेंज करने वाले हैं। लोग आ रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद खा के सब लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं। अब हम लोग बस चेंज करके और बस अब हम लोग कल के प्रसाद बनाने की तैयारी में लगेंगे। लुंगी डांस कर लो बस। नूनी नान आपकी 2 साल वाला। सब लोग यहाँ पे फ्री होके ना पुराना एल्बम देख रहे थे पीहू के बर्थडे का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सब लोग एक जगह बैठे हुए थे ना, तो ऐसे जब सारे लोग एक जगह, बहुत कम वक्त टाइम मिलता है जब सब लोग एक साथ होते हैं, दीदी हम लोग और सब लोग होते हैं एक साथ। तो अभी पीहू के बर्थडे का हम लोग एल्बम देख रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं इसी पे एंड और कल मिलते हैं पहली अर्घ के दौरान। और आप सभी को अगेन छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ।